हाय गाइस, फाइनली अब हम लोग बियर के फैक्ट्री में आ चुके हैं और अब देखते हैं यहाँ पे बियर कैसे बनता है। थोड़ी देर में कहेंगे कि फोटोज आर नॉट अलाउड, ऐसा मुझे लग रहा था, मुझे फील हो रहा है कि वो थोड़ी देर में कहेंगे कि यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटो करना अलाउड नहीं है, ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है। बट अगर हो पाया तो कर लेंगे, नहीं हो पाया तो फिर बाहर से ऐसे ही चल देंगे यहाँ से वापस। बियर का फैक्ट्री और यहाँ पे पूरा काम चल रहा है, तो कई लोग ऐसा लग रहा है कि इतने धीरे क्यों बोलती हो, कहीं चोरी वाला काम तो नहीं कर रही हो। बट अभी चलते हैं, देखते हैं अंदर ना क्या सीन है, कैसे बियर बनता है, एक उसको देख कर आते हैं हम लोग। ये सारे ट्रक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इसमें से ना बियर अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से, और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब देखते, एक नया एक्सपीरियंस होगा देखना कि बियर कैसे बनता है। अंकल कह रहे हैं कि बहुत गंदा था, स्मेल आता है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग नाक बंद करके। सो लेट्स चेक इट आउट कि क्या है कैसे है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है और काफ़ी ज़्यादा एरिया इसने यहाँ पे कवर कर रखा है और बहुत बड़ा प्लांट है ये। चलो 1 2 3 करते। सो अब चलते हैं, देखते हैं। तो आप ये देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा टैंक यहाँ पर लगाया हुआ है, और धूप होने की वजह से मे भी शायद वीडियो इतना क्लियर ना हो। अब तो वो तो घर जाके ही पता चलेगा, फिलहाल तो बस शूट कर लेते हैं और बाकी चीज़ तो घर जाके पता चलेगा। सो आप देख सकते हो अभी कुछ बहुत ज़्यादा तो बन भी रहा है यहाँ पे। सो अब देखते हैं अंदर। तो ये यहाँ का एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम लोग अंदर गए। सो और अभी से ही मतलब ना एक स्मेल आ रहा है नाक में, वो बाहर में भी आ रहा था। सो ये ओवरऑल इसके अंदर है कुछ एजेंट, कैटल, लॉटर टन, सिंपल पॉइंट, वर्लपूल, वर्ड कैटल। सो ये इस तरह से है। आप अंदर चल के बैठते हैं फिर देखते हैं। ये चावल है, ये जौ हो गया, और ये अच्छा वो बताएंगे। बेसिकली ब्रूइंग बियर बनाने के लिए 3 मेजर रॉ मटेरियल है। बिट्टू रुकना, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। बियर बनाने के लिए बेसिकली 3 रॉ मटेरियल, ये मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो है माल्ट। ये जौ बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, ये हरियाणा से आता है, पर्टिकुलर हरियाणा में इसका क्रॉप होता है। वहाँ पे जौ यानी अपना गेहूँ है एक टाइप का, तो उसमें जो है वहाँ पे प्रोसेस होता है, उसको स्टिपिंग करते हैं, जर्मिनेशन और किलनिंग, यानी इसका भी 10 दिन का प्रोसेस है। जो जब डालते हैं उसको प्रोसेस करते, वो प्रोसेस इसलिए करते ताकि ये बाद में उसको अंकुरित ना हो जाए, उसको जो बड़ा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी पानी में सोक करते हैं अपन, इसलिए वो बड़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं मिलेगा इसका, इसलिए वो प्रॉपर ही करते। ये है राइस अपना, चावल ब्रोकन राइस, सॉर्टेक्स है, खाली सॉर्टेक्स किया हुआ, इसमें कंकड़ पत्थर कुछ नहीं है इसलिए। और ये बियर के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक आता है इसको बोलते हैं हॉप्स, HOPS। ये इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है इसका, जर्मनी से। और ये बियर के लिए जो फ्लेवर देता है, सॉरी बिटरनेस जो है ना, तीखापन जो बियर के लिए, यही मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। और ये डालता है आप स्मेल लेके देखिए ना, सो दिस वन इज हॉप्स, सो बेसिकली इट गिव्स अ बिटरनेस जो बियर को देते हैं ना। ओके फाइन, सो ये वो है, और ये जर्मनी से आप लोग इंपोर्ट करते हैं राइट? दैट इज हां, एक्चुअली दिस क्रॉप इज मेजरली इन यूरोप कंट्रीज ओनली। ओके, इट विल नॉट गेट इन इंडिया, अर्लियर ट्राइंग इन दिस वन देयर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, बट दैट दिस वन यील्ड एंड परसेंटेज वाज नॉट बेटर, सो दैट्स व्हाई दे हैव स्टॉप्ड दैट प्रोसेस देयर। ओके फाइन, सो नाउ वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम जर्मनी ओनली। तो अब वो हमें आगे लेके जाएंगे और बेसिकली पूरा बताएंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है, बियर कैसे बनता है। सो एक चीज़ पता चला कि जो हॉप्स है जिसका वो होता है, उसका इम्पोर्ट ये जर्मनी से करते हैं, इंडिया से नहीं, इंडिया में नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने ट्राई किया था इसको प्लांट करने का, बट वो फेल हो गया, नहीं हो पाया। ये जो ब्रू फोर्स है इसमें जो चावल है उसमें और वाटर डाल के 80 डिग्री सेल्सियस में इसको टेम्परेचर में इसको कुक करेंगे। फिर ये मास कैटल है जहाँ पे जो जौ था, जौ को वाटर के साथ इसमें डालेंगे और इस मास कैटल में उसको रखेंगे। और ये सेम वही है मास कैटल, इसमें वो जो उन्होंने हमें फॉक्स दिखाया था, जो हॉक्स फॉक्स जो भी था, तो उसको इसमें डालेंगे ताकि उस बियर में एक बिटरनेस आए।
जो रिमेनिंग है या फिर जो बच जाएगा इसका मार्ट एंड वो जाएगा। सो ये क्वालिटी कंट्रोल लैब है, तो इसमें एक ये एक पैरामीटर ये देखते हैं कि पीएच स्केल कितना है, अल्कोहल कितना है और बिटरनेस कितना होना चाहिए बियर के अंदर। सो ये है वो लैब। और अब बताइए भैया, तो हम लोग माल्ट यूज़ करते हैं, माल्ट नहीं बारले, मॉडिफाई जो बारले होता है उसको माल्ट देते हैं हम लोग। उसके अंदर एंजाइम जर्मिनेशन होता है, तो 60% हम माल्ट यूज़ करते हैं, 30% राइस एंड 10% शुगर। तो जो भी पैरामीटर होता है हम लोग उसका टेस्टिंग पहले रॉ मटेरियल करते हैं, फिर जो शुगर सोल्यूशन हमारे यहाँ नेचुरल रेडी होता है उसका हम लोग सेट पैरामीटर चेक करते हैं कि शुगर परसेंटेज कितना है। फिर रॉ बियर है और इसका भी वो पीएच स्केल, अल्कोहल क्वांटिटी और बाकी चीज़ें वो यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे लैब में और अब अंदर लेके जाएंगे। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो किंगफिशर रखा हुआ है। सो ये यहाँ पे सैंपल रेडी करके कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये बोतल है। कितना परसेंट अल्कोहल है? अल्कोहल आपका 7.2% VOC है। कितना स्ट्रॉन्गनेस है? शुगर कितना हमने लिया था? 15.23 शुगर लिया था, उससे इतना अल्कोहल कन्वर्ट हुआ। रियल एस्टेक्ट यानी शुगर जो बचा हुआ है बियर के अंदर वो कितना है एक्चुअली। उसके बाद आपका टेम्परेचर 20 डिग्री है, ADF कितना फर्मेंट हुआ है और इसका जो हेज है, हेज यानी विजिबिलिटी कितनी है बियर के अंदर, वो ये सारी चीज़ें दिखा था। प्लस CO2 इसके अंदर कितना 1.65। तो इसका क्या है, पहले हम लोग डिस्कवर अब ये पता लगता है, क्रिटिकल इक्विपमेंट है जैसे ये मशीन हमको ये शो करता है, तो इसका सब कुछ नियर अबाउट 20 लाख के आसपास है। तो सारे जैसे क्रिटिकल पैरामीटर है, जैसे कि आपका कैनिंग है, सीमिंग है, वो जो है एक्चुअली कोई भी चीज़ जो है वो 20 लाख 30 लाख से नीचे नहीं है। और जैसे आपको वो डिफरेंट आती है, ये विदेश से आती है आपकी, मैक्सिमम दुबई से आती है, ये आपका इंडिया में जनरेट होता है। तो जो ये बियर फिल होता है इसके अंदर, उसके बाद ये फिलर पे आप पैकेजिंग में देखे होंगे, देखेंगे देखे उसके ऊपर ढक्कन लग जाता है। अभी ढक्कन प्रॉपर बॉन्ड हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने मार्केट में कह गई फट गई, लीकेज हो गया, यहाँ से कुछ हो गया, तो करोड़ों रुपये का नुकसान। उसके लिए सर ये एक्सेल मशीन सिस्टम, आपने कैन लिया सीधा इसमें रखा, विजिबिलिटी विजिबिलिटी आके उसके अंदर कैमरा ऑन किया उसका, पैरामीटर सारा ग्राफ निकल के आ जाएगा, तो आपको पता चल गया मेरी कैन जो फिलिंग सीलिंग हो रही है वो प्रॉपर है या नहीं। सो यहाँ पे जो भी मशीन्स लगे हुए हैं वो सारे आउट ऑफ इंडिया के हैं और ये अकेला ये मशीन्स है, ये 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का है। सो ये यहाँ पे 20-30 लाख का है। सो ओवरऑल इसके अंदर जो जो भी मशीन्स लगे हुए हैं वो सब करोड़ों में है, 10 करोड़ अप्रोक्स, 10 करोड़ तो आप मान ही लो कि इसमें सारा वो हुआ होगा इस प्लांट के, बस मशीन्स को लाने के लिए, सेटअप करने के लिए इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और ओवरऑल जितने भी मशीन्स हैं वो सब इंपोर्ट किया, इन्होंने बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है। देख रहे हो कैसे छोटे छोटे कार में ये इसमें फील करके ला रहे और इनके अंदर वो डाल रहे और सारा पैक करके अब ये यहाँ से जा रहे, अलग अलग जगह पर जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसमें डालेगा, आप देख सकते हो कैसी ये आ रहा है और अब ये जाएगा। तो आप ये देख सकते हो सारा केन वगैरह रखा हुआ है, ये पूरा केन है ना जी पापा, पूरा ये आप यहाँ पे देखिए 1,80,000 लीटर और एक एक घंटे में 1,80,000 का प्रोडक्शन होता है, 1,80,000 का प्रोडक्शन होता है। और ये क्वालिटी रिजेक्टेड, जो क्वालिटी रिजेक्ट हो गया उसको यहाँ पे रख दिया, इसका क्वालिटी जो है पैरामीटर पे खड़ा नहीं उतरा तो इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। सो आप देख सकते हो क्वालिटी रिजेक्टेड, यानी कि केन में कुछ दिक्कत है, टूट फूट सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। सो ये देखिए सारा केन है, ये पूरा केन रखा हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर कैसे केन जा रहा है। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे फिर देखेंगे कि ये कैसे जा रहा है यहाँ पर। आप ये देखिए जूम करके ये पूरा जा रहा है यहाँ से, और अभी वो अंदर वो पूरा वो दिखाएंगे कि ये कैसे जा रहा है। तो इतना वाव एक्सपीरियंस है ये। कुछ
समय इसमें वॉल्यूम अगर कम जाता है या ओवर वॉल्यूम जाता है हमारा 500 के ऊपर में कैन टू रिजेक्ट करेगा, फिर सर के 270 लगा हुआ है एक से रिजेक्ट करता हूँ। ये आपका कैश स्टोरेज है, थर्मल कैश स्टोरेज है तो ये यहाँ पे अभिषेक को लास्ट प्रोसेस समझा रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे ऊपर से पूरा बियर आ रहा है, यहाँ पे गिर भी रहा है, तो ये ओवरऑल ये पूरा है। तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं, अभी देंगे ना लोग समझा रहे हैं अभिषेक को। और आप ये देखिए सारा केन यहाँ पे रखा हुआ है और ये ऊपर कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये ऊपर से सारा जा रहा है। आप देखिए कितने लोग यहाँ पे इंक्रीज इस काम को करने के लिए, और उस साइड बोतल में है, बोतल में रखा हुआ है उस साइड। तो आई होप आप उस साइड भी जा सकते हैं। आवाज़ बहुत हो रहा है तो पता नहीं आपको मेरी ब्लॉगिंग की आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। ऑनलाइन इतने भी एक्स्ट्रा जनरेट है, अगर कोई टाइम कॉल अगर हम लोग पास होकर आएगा और फिर अंदर से उसको रिजेक्ट करेगा उस सर के थ्रू। ठीक है, आपका ये तीन दिन है टोटल का, आपको कोई अगर सॉस फिल करना रहेगा उसको रिजेक्ट करेगा, आपका कोई वाटर ड्रॉपलेट जैसे आ गया तो फिर वो हटा देगा बिफोर ड्रिंकिंग। आज का रेट आपको मिल रहा है, वो प्रोडक्शन हो रहा है ऑनलाइन, डेट वगैरह हो तो आपके सोचा रहता है। मतलब ओपन साइड आपने फ्लिप किया है, मेरी टॉप साइड के लिए वो फ्लिप हो जाएगा। टॉप कोडिंग के लिए भी ये फ्लिप होकर जाएगा और टॉप कोडिंग आएगा, अभी अरुणाचल के लिए हो रहा है प्रोडक्शन ये। ओके, मशीन में सपोज हमारा कोई फॉल्ट आता है या पिन नहीं आ रहा, ये अभी स्लो क्यों हुआ है? तो यहाँ पे ये फाइनल पैक होके आ रहा है कर्टन में, और यहाँ पे ऐसे थे ना ये लोग अभी यहाँ पे डालेंगे इसको और यहाँ से होके आएगा, यहाँ पे टेप लगेगा अपने आप ही वो पूरा पैक हो जाएगा अच्छे से, आप देख सकते हो, और फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो आप देखिए ये बस ऐसे करके डालेंगी और वहाँ जाते जाते पूरा हो रहा है। बियर फैक्ट्री का भी, प्रोडक्शन का भी ब्लॉगिंग कंप्लीट हुआ यहाँ पे। सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल दो उन्होंने हमें ऑफर दिया था कि आप टेस्ट करना चाहते हैं क्या, बट हम शरीफ लोग हैं, हम लोग ये सब चीज़ तो का ही ना टेस्ट करेंगे, तो हमने तो वही मना कर दिया। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइफ में पहली बार देखा कैसे बियर बनता है और आप लोगों ने भी एंजॉय किया ही होगा। सो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल कंजूसी मत करिए वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है चार लोगों से कि वीडियो बनाना करके परमिशन लेके ब्लॉगिंग करना पड़ता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बाय।